वेलकम टू शैवराज किचन। फ्रेंड्स, पापा घर पे आ रहे, सबके तो ढेर सारी खुशियाँ लेके आते हैं और ढेर सारी मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी। आज हम बनाएंगे पापा के फेवरेट मिठाई कोकोनट मोदक। इसे हम सिंपल तरीके से और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कोकोनट मोदक बनाने के लिए सामग्री चाहिए। तो हमने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है ड्राई वाला 3 कप। हमने 1 कप लिया है कंडेंस मिल्क, 1 कप से हमने 3 कप कोकोनट लिया है। यहाँ पे दूध लिया है 1/2 कप, ये ठंडा दूध है रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे देसी घी लिया है 1.5 चम्मच। तो चलिए फ्रेंड्स, कोकोनट मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पे हम घी को हल्का सा गर्म कर लेते हैं, हमने गैस की फ्लेम लो रखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट और इसे हम अच्छे से घी में भून लेंगे, लेकिन हमें फ्लेम धीमी रखनी है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे घी के अंदर। फ्रेंड्स, इसे हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से घी में, इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक और हल्की सी खुशबू आने तक। और हमें ये प्रोसेस धीमी गैस पे ही करना है। गैस अगर आप फ्लेम हाई करोगे तो फिर ये जल सकता है नीचे से, इसलिए हमें आराम से इसे भुनना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कोकोनट अच्छे से भून चुका है और खुशबू भी अच्छे से आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट के लिए कंडेंस मिल्क। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पे अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब हम कोकोनट और कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह से कंबाइन हो जाने तक चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोकोनट के साथ में कंडेंस मिल्क अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे दूध। अब हम दूध को चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे ताकि सारा दूध अब्जॉर्ब हो जाए। जब सारा दूध ऑब्जर्व हो जाएगा और कोकोनट भी अच्छी तरह से पक जाएगा, तब मिक्सचर पैन को छोड़ने लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, हम यहाँ पे मिक्सचर लेते हैं और इसका गोला बनाते हैं, अच्छे से बाइंडिंग हो रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर एकदम रेडी है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मिक्सचर को 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मोदक का मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो चुका है, अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक मोदक वाला ये मोल्ड लिया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये 2 वाला है ऐसा मोल्ड, तो हम इसे हम ऐसे बंद करेंगे और इसे हम मिक्सचर को यहाँ से प्रेस करते हुए भरेंगे, फील करेंगे। तो यहाँ पे हम ये मिक्सचर लेते हैं और इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। हमें ऐसे टाइट से प्रेस करना है ताकि हमारे मोदक को अच्छे से शेप आता है। फिर इस तरह से यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का मोल्ड लिया है, आप चाहे तो छोटा मोल्ड भी यूज़ कर सकते हो या फिर मीडियम। इस तरह से हमें प्रेस करना है ताकि शेप अच्छा आता है। देखिए, तो यहाँ पे हमारा मोदक रेडी है, इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से डिज़ाइन आई है, ये देखिए। इसे हम रख देते हैं एक बर्तन में और यहाँ पे जो है साइड का एक्स्ट्रा पोर्शन, उसे ऐसे अंदर की तरफ हमें प्रेस करना है।
तो इसी तरह हम बाकी के मोदक भी बना लेंगे। अच्छे से हमें मिक्सर फील करना है इसके अंदर प्रेस करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मोदक बना लिए हैं, तो उतने सामग्री में हमें 10 से 12 मोदक बनते हैं बड़े साइज़ में। तो हमने यहाँ पे प्लेटिंग के लिए खाली 5 ही बनाई है, तो हम फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे कोकोनट मोदक रेडी है, एकदम टेम्प्टिंग लग रहे हैं। वाओ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कोकोनट मोदक एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और टेम्प्टिंग लग रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं, और देखिए एकदम शेप बहुत ही बढ़िया आया है, एकदम परफेक्ट बने, इजी तरीके से बनाई हमने। तो यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिलीशियस बने, अमेजिंग। तो फ्रेंड्स आप एक कोकोनट मोदक पापा के प्रसाद के लिए घर पे जरूर ट्राई करें, और आपकी कमेंट नीचे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।